हेलो स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड टॉपिक इज़ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मीन्स कि रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस प्रकार से हुई। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजमी द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। द एस्टेट्स जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हावेवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. तो जो लुई 16 था, अभी पिछले टॉपिक में आपने देखा कि जो लुई 16 था, किस तरह से उसने अपने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया था, किन कारणों से, किस वजह से उसने अपने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए थे। और लेकिन फ्रांस का जो एक्चुअली में जो राजा था, वो खुद से डिसीज़न लेने का उसे पावर नहीं था। वो अपने से सारे डिसीज़न नहीं ले सकता था। टैक्सेस बढ़ाने के जो भी डिसीजंस होते थे, उसे स्टेट जनरल होता था, जो कि पॉलिटिकल बॉडी होता था, उसे बुलाता था और फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही, जब उनका अप्रूवल मिलता था, तब वो टैक्सेस बढ़ाने का डिसीज़न ले पाते थे। इस तरह का जो डिसीज़न था, मोनार्क के पास ये पावर था कि वो मीटिंग बुला सके, इतना पावर उसे होता था। तो जो लास्ट मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 1614 में। ऑन 5 May 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द एस्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। अ रिस्प्लेंडेंट हॉल इन द वर्साइल्स वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. तो 5 May 1789 को लुई 16 ने एक स्टेट गवर्नर, स्टेट जनरल के साथ मीटिंग, टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई असेंबली में। और वह जो मीटिंग थी, वह सारे डेलीगेट्स को एक साथ करके, प्रिपेयर करके, जो वर्साइल्स थे, उन्होंने वर्साइल्स में उस मीटिंग को बुलाया गया। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, जो फर्स्ट और सेकंड, आपने जैसे स्टेट्स, अभी फर्स्ट स्टेट में जो कि क्लेर्जी होते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी होते थे, उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। और वो इस तरह से वहाँ बैठे हुए थे कि आमने सामने वो सभी एक दूसरे को देख सकते थे। और उनके पीछे जो थर्ड स्टेट होती थी, उसके 600 मेंबर्स थे, वो पीछे साइड में वहाँ पर खड़े हुए थे। इस तरह से वो मीटिंग का अरेंजमेंट हुआ था। और जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, उसमें पीजेंट्स, आर्टिसंस और वीमेन, उनको असेंबली में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्होंने 40,000 लेटर्स के साथ, 40,000 लेटर्स उन्होंने लिखे अपनी डिमांड्स के, और उनको लेकर के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इस मीटिंग में पहुँचे। आई एम शोइंग यू द पिक्चर, द मीटिंग हॉल यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सी हियर। In the first and second state, members are sitting in front of together here, and also the other 600 representative stand behind them.